Hello guys, this is Shivam Gupta from Shri Vaishnav Institute of Forensic Science, Indore, and today I am going to explain you a topic of digital forensic or cyber forensic named hash value. So first I would like to explain you what is hash value. So guys, a hash value, also called as string value, is a specific length which is the result of calculation of a hashing algorithm. Hash values have different uses. One of main uses of hash values is to determine the integrity of any data, which can be a file, folder, email, attachment, downloads, etc. The most wonderful character of hash values is that they are highly unique. No two data can theoretically have same hash value. So guys, basically hash value ek numerical value hoti hai jo ki different algorithms ko use karke generate ki jati hai, kyunki jab bhi hum koi file hoti hai, wo file kuch bhi ho sakti hai, download, email और PDF, docs file, image, कुछ भी हो सकती है. हर किसी की एक स्पेसिफिक हैश वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जो वो वैल्यू हैश वैल्यू होती है वो कभी भी किसी भी दो फाइल की सेम नहीं हो सकती. जैसे कि दो ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, उसी तरीके से किन्हीं भी दो फाइल्स की हैश वैल्यू सेम नहीं हो सकती. अगर किसी की हैश वैल्यू दो फाइल की सेम है, मतलब वो फाइल सेम है. मतलब अगर किसी सेंडर ने कोई फाइल भेजी है और अगर उसके संग बीच में टेम्पर्ड किया गया है, उसको मतलब छेड़ाखानी की गई है, तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगी. जब भी किसी रिसीवर या फॉरेंसिक एनालिस्ट के पास कोई फाइल आती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है, तो सबसे पहले वो उसकी हैश वैल्यू मैच करता है जो कि सेंडर ने उसको भेजी है. अगर वो हैश वैल्यू मैच होती है तभी वो फाइल को आगे खोलता है, चेक करता है, एनालाइज करता है. अगर नहीं होती वो एज इट इज उसको वापस कर देता है, बिकॉज उसमें कुछ भी हो सकता है चेंज, इसलिए उसको नहीं देखते. अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑथेंटिसिटी ऑफ हैश वैल्यू. सो गाइस, a unique numerical identifier that can be assigned to file, a group of files or a portion of a file based on a standard mathematical algorithm applied to the characteristic of the dataset. The most commonly used algorithms known as MD5 and SHA will generate numerical values so distinct that the change that any two datasets will have the same hash value, no matter how similar they appear, is less than 1 in 1 billion. Hashing is used to guarantee the authenticity of an original data set and can be used as a digital equivalent of the paper document production. So guys, दो फाइल भले ही कितनी देखने में कितनी भी सिमिलर लगें, बिल्कुल एक सी लगें, कई बार ऐसा होता है कि जो दो इमेज होती हैं उन पर आप देखने में कोई डिफरेंस नहीं बता सकते, बट अगर उसकी हैश वैल्यू चेंज हुई है तो होना हो डेफिनेटली उसके संग टेम्पर्ड किया गया है. हो सकता है अगर किसी फाइल में एक इतना छोटा पॉइंट लगा दिया जाए, आपको देखेगा भी नहीं, वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक छोटा डॉट भी लगाया गया है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी. इससे एक प्रूफ होता है ये कि वो मतलब उस फाइल में टेम्पर्ड किया गया है. जब भी कभी किसी के संग ऐसा होता है, कोई मतलब अगर किसी फाइल की हैश वैल्यू चेंज की गई है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो टेम्पर्ड फाइल है, उसके संग टेम्पर्ड किया गया है. बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा मतलब ये नहीं हो, 1 in 1 billion चांसेस होते हैं कि किसी दो फाइल की हैश वैल्यू जो है वो सेम हो और वो फाइल डिफरेंट हो. बहुत रेयर, जैसे कि फिंगरप्रिंट में ये चीज़ रेयर होती है, ऐसे यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल काम करता है. उसके बाद हम देखेंगे हैशिंग. सो गाइस, सॉरी, प्रोड्यूसिंग हैश वैल्यूज फॉर एक्सेसिंग डाटा और फॉर सिक्योरिटी. अ हैश वैल्यू इज़ अ नंबर जनरेटेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट. द हैश इज सब्सटेंशियली smaller than the text itself. So guys, hashing क्या होता है, जब भी कोई sender जो होता है वो कोई file भेज रहा है तो उसके संग वो एक hash value जो होता है वो encrypt कर देता है अंदर, और अगर किसी ने बीच में tampered किया है उसके साथ में, तो जो वो hash value वो change हो जाएगी. तो जब वो file जब receiver के पास पहुँचती है तो वही hash value को match करता है उस sender के hash value से. अगर वो same होती है तभी ये माना जाता है, तभी ये बोल सकते हैं कि वो वैल्यू जो है वो सेम है. अगर वो सेम नहीं होती तो ये पता पड़ जाता है कि जो वो फाइल है वो टेम्पर्ड है, उसके साथ छेड़ाखानी की गई है, वो सेम नहीं है. और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अगर छेड़ा मतलब हैश वैल्यू चेंज हुई है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप 100% मान सकते हैं, बट 100% कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आप मान सकते हैं तरीके से कि ये पक्का टेम्पर्ड फाइल है. 0.1%, यू नो, 1 in 1 billion चांसेस होते हैं कि वो ये बात गलत प्रूफ हो जाए. और आपने आजकल देखा भी होगा कि काफ़ी सारे क्रिमिनल को साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो जो क्रिमिनल और सिविल केसेस होते हैं उनमें आजकल हैश वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो गई है. अगर किसी कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उसमें सिर्फ सबसे पहले अपन ये देखते हैं, अगर अपन ये प्रूफ कर देते हैं कि हैश वैल्यू चेंज हुई है,
तो इससे साबित हो जाता है कि जो फाइल थी उसमें टेम्पर किया गया था, उसके अलावा कोई प्रूफ लगेगा भी नहीं। वो एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है अपने आप में। जैसे कि केसेस में जब आइडेंटिकल ट्विंस के केस होते हैं, उसमें हम ये प्रूफ कर देते हैं कि फिंगरप्रिंट्स अलग अलग, या फिर कोई भी क्राइम होता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसके भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो इंसान ने किया है या नहीं किया है। उसी तरीके से हैश वैल्यू से पता कर सकते हैं कि वो फाइल जो थी वो टेम्पर्ड थी या नहीं थी। एंड नेक्स्ट इज यूजिंग हैश वैल्यू इन हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। हैश वैल्यूज आर अ यूजफुल टूल फॉर द एग्जामिनेशन, डिस्कवरी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं स्पॉट पर, मोबाइल फ़ोन, CPU या फिर कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज़ बिकमिंग मोर कॉमन प्लेस इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल सब हर तरीके के, चाहे वो सिविल केसेज हों, चाहे वो क्रिमिनल केसेज हों, चाहे वो कोई भी केसेज हों, सब में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत मिलते जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एनालिसिस के लिए जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है वो होती है हैश वैल्यू। इसी के बेस पे कोई आसानी से बता सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छेड़ाखानी की गई है या फिर नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा, जो आप ये एक इमेज देख रहे होंगे सामने अभी, इस इमेज में एक फ़ाइल है जो कि लोकल डिस्क सी में स्टोर थी। इस फाइल का नाम है जो कि एक डॉक्स फाइल है जिसका साइज लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसमें हैश एल्गोरिथम लिखी है SHA-1। आपको मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैश वैल्यूज़ लगती हैं, जो कि MD5 हो सकती है, SHA-1, SHA-2, जो मेनली कॉमन यूज़ की जाती हैं, जिसमें यहाँ पे SHA-1 यूज़ की गई है। उसके बाद एक हैश वैल्यू लिखी हुई है जो कि 3E772B करके, ये पूरी अगर ये किसी ने ये इमेज सेंडर ने भेजी है रिसीवर को, अगर रिसीवर पर जाकर ये हैश वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये चेंज हो गई, तो ये साबित हो सकता है एक कि वो जो फाइल थी वो टेम्पर्ड की गई है, अगर इसमें कोई भी कैरेक्टर चेंज हो गया तो, एक सिंगल कैरेक्टर भी। और अगर ये एज इट इज़ वैल्यू, अगर वो इमेज में टेम्पर्ड नहीं किया गया, वो एज इट इज़ गई है रिसीवर के पास, तो ये हैश वैल्यू एग्जैक्ट डिटो 100% सेम होगी बिना किसी चेंज के। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय अ हैश एल्गोरिथम, व्हाट इज़ अ यूज, हाउ इट इज़ यूज इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, सॉरी व्हाट इज़ मीन्ट बाय हैश वैल्यू एंड हाउ इट इज़ यूज इन डिजिटल फॉरेंसिक्स। सो गाइज, हैशिंग इज़ लाइक अ डिजिटल फिंगरप्रिंट फॉर अ फाइल। जैसे कि आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट जैसे यूनिक होते हैं हर किसी के लिए, इंडिविजुअल क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूनिक होते हैं ह्यूमंस में, उसी तरीके से यहाँ पर हैश वैल्यू भी डिजिटल फॉरेंसिक में एक हाईली यूनिक होती है। उसके बाद में एक MD5 जो एल्गोरिथम होती है, इट इज़ अ 120-bit 32 कैरेक्टर एल्गोरिथम एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज हैशिंग एल्गोरिथम। सबसे ज़्यादा SHA-1, SHA-2, MD5 सबको मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज होती है वो MD5 होती है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एल्गोरिथम। उसके बाद नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स यूज। मैंने आपको बताया था कि जो एल्गोरिथम यूज होती है वो मेनली MD5, SHA-1, SHA-2 होती है, उसके अलावा जो सबसे मेन कॉमनली हाईली यूज होती है वो होती है MD5। गाइस, ये था हैश वैल्यू। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो हैश वैल्यू में और फाइल सिग्नेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर इन एवरी पॉसिबल वे, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस दोनों में ये होता है कि अगर किसी फाइल में टेम्पर्ड किया गया है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज पक्का होगी, ये मतलब 100% श्योर हूँ मैं, 100% उसकी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फाइल सिग्नेचर चेंज हो, ये एक बेसिक, इसलिए हैश वैल्यू को ऑथेंटिकेट ज़्यादा माना जाता है इन कंपैरिजन टू फाइल सिग्नेचर। कोर्ट में भी अगर आप फाइल सिग्नेचर के बेस पे कोई चीज़ प्रूफ करना चाहोगे तो एक बार को वो डाउट में हो सकता है, मगर आपने हैश वैल्यू प्रूफ कर दे कि हैश वैल्यू चेंज हुई है तो कोई डाउट नहीं है कि वो टेम्पर्ड है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। आज मैं अपनी वीडियो में यह एक्सप्लेन करना चाहता था।